हेलो बच्चों, इस वीडियो में भी एंड में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। उसको सॉल्व कीजिए, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। ट्राई करते रहिए, मैं ऐसे ही आपसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछते रहूँगा, जिससे आपका अच्छा प्रैक्टिस होते रहे, अच्छे लेवल के मैथ्स का प्रैक्टिस आप करते रहें, जिसकी वजह जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो उसका आंसर बताइए क्या होगा, ठीक है? तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। लास्ट डे तक मैंने आपको बताया था कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ क्या होते हैं, उसके मैंने डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज बताए थे आपको, है ना? और मैंने आपको बताया था कि उस पे बेस्ड क्वेश्चंस और भी कैसे किए जा सकते हैं। ओके, तो आज हम लोग कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल्स देखते हैं, है ना? ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल्स देखते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं कि अगर आपसे बोला जाए कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थर्टी डिग्री एंड सिक्सटी डिग्री बताओ कैसे आएगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि थर्टी डिग्री और सिक्सटी डिग्री के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज कैसे फाइंड कर सकते हैं। देखो, ऐसे तो हम लोग याद भी रख लेते हैं कि 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का क्या वैल्यू होता है, साइन 60 डिग्री का क्या वैल्यू होता है। मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि उस चीज़ को डेराइव कैसे करते हैं या उस चीज़ को आप भी प्रूव कैसे करोगे, ठीक है? तो उसके लिए हम लोग एक इक्विलैटरल ट्रायंगल में देखते हैं। अब आपके मन में आएगा कि सर ट्रिगोनोमेट्री तो सिर्फ राइट ट्रायंगल में देखते हैं, तो मैंने तभी आपको ये भी बोला था कि किसी भी ट्रायंगल को राइट ट्रायंगल में कट किया जा सकता है ना, बांटा जा सकता है। तो इसलिए एक इक्विलैटरल ट्रायंगल लगता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब सारे एंगल्स उसके इक्वल होते हैं, सारे साइड्स भी इक्वल होते हैं। तो सारे साइड्स इक्वल हैं, तो मैं इस साइड का लेंथ 2a ले लेता हूँ, इस साइड का लेंथ भी 2a और इस साइड का लेंथ भी 2a। ये तीन डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स ले लिए मैंने, ठीक है? 2a और 2a। तो सारे एंगल्स भी क्या है, 60 डिग्री। ये एंगल भी 60 डिग्री है, ये एंगल भी 60 डिग्री है और ऊपर वाला एंगल भी 60 डिग्री है। तो ऊपर वाले को अब मैं दो बराबर पार्ट में बांट देता हूँ, मैं इस ऊपर से नीचे एक परपेंडिकुलर डाल देता हूँ। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की बहुत अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती है कि किसी वर्टेक्स से आप अगर बेस पे परपेंडिकुलर डालोगे तो वो बेस को दो बराबर भागों में बांटता है। मीन्स BD और DC का लेंथ इक्वल हो जाएगा, मीन्स DCA हो जाएगा, है ना? तो यहाँ पे इन ट्रायंगल ABC AB = BC = AC = 2A, ठीक है? और AD इज परपेंडिकुलर टू BC, तो क्या हो जाएगा, BD DC के इक्वल हो जाएगा, जो कितना हो जाएगा, BC/2, दैट इज 2A/2 = A, है ना? अब देखो, इन ट्राइंगल ADC, अब ट्राइंगल ADC में देखते हैं, AC का लेंथ पता है कितना, 2A, DC का लेंथ पता है A, तो AD कितना हो जाएगा, रूट AC² - DC² पाइथागोरस थ्योरम। तो AC कितना है, 2A, तो 2A² - DC कितना है, A² तो 4A² - A² that is root 3A, वो कितना हो गया, रूट 3A हो गया। किसका लेंथ आ गया, रूट 3A AD का, किस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ADC में। ओके, ADC में क्या आ गया, रूट 3A आ गया। ओके, अब उसी ट्रायंगल में, क्योंकि फिर से मैं लिख रहा हूँ, एंगल D = 90 डिग्री, इन कौन सा ट्रायंगल, ADC ट्रायंगल, तो एंगल D 90 डिग्री है, तो क्या होगा बताओ। अब यहीं पे अगर मैं साइन 60 बोलूँ, क्योंकि 90 डिग्री एक राइट ट्रायंगल आ गया, तो हम लोग हर एक एंगल का, तो सी एंगल 60 है, तो साइन 60 अब साइन थीटा इक्वल टू क्या बताया था ना, P/H, तो यहाँ पे P/H मैं लिख भी देता हूँ। तो 60 डिग्री के लिए P कितना है, AD है, H कितना है, 2A, या फिर पहले AC लिख देता हूँ, और AD का लेंथ क्या आया, अभी जस्ट फाइंड किया था AD हम लोगों ने, रूट 3A, और AC कितना है, 2A, AA खत्म हुआ, क्या आया, रूट 3/2। मीन्स साइन 60 डिग्री आप रूट 3/2 हमेशा याद रख सकते हो, ठीक है? अब बात करते हैं कॉस 60 की, तो कॉस 60 डिग्री क्या हो जाता है, B/H, तो B कितना है यहाँ पे, 60 डिग्री के लिए B क्या हो जाएगा, DC होगा ना, तो DC/AC, DC कितना था, A था, AC कितना था, 2A था, AA खत्म हुआ, क्या आ गया, 1/2, है ना? और वैसे ही अगर आपको tan 60 डिग्री चाहिए, वो क्या होता है, P/B होता है, तो 60 डिग्री के लिए वापस से P क्या दिख रहा है आपको, AD दिख रहा है, B क्या दिख रहा है, DC दिख रहा है, तो AD/DC, AD कितना था, रूट 3A, और DC क्या था, AA खत्म हुआ, क्या आया, रूट 3।
तो अब साइन 60, कॉस 60, टैन 60 पता है, तो कॉट 60, sec 60 और कोसेक 60 डिग्री भी आप बता सकते हो, है कि नहीं। तो इस तरह से साइन 60 डिग्री का वैल्यू या 60 डिग्री में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं। अब बात करते हैं 30 डिग्री। तो एक बात बताओ, इन ट्रायंगल एडीसी ओनली एंगल डी इज 90 डिग्री, एंगल सी इज 60 डिग्री, तो एंगल डीएसी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा, है कि नहीं। तो वापस से इन ट्रायंगल एडीसी ओनली एंगल डी इज 90 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री, तो उसी डायग्राम में देखो साइन 30। अब ये 30 डिग्री के लिए डीसी क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया, मतलब पी। साइन 30 डिग्री क्या हो जाएगा? डीसी बाय एसी, डीसी बाय एसी। डीसी कितना था? ए। एसी कितना था? 2a। ए ए खत्म हुआ, 1/2, मीन्स साइन 30 डिग्री क्या होता है? 1/2 होता है। ये आपको याद रखना है, मतलब हमेशा ही याद होना चाहिए साइन 30 डिग्री का वैल्यू। कॉस 30 डिग्री चलो फाइंड करके वो भी दिखाता हूँ। कॉस 30 डिग्री क्या हो जाएगा? अब 30 के लिए क्या बेस क्या हो जाएगा? AD। तो AD और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा? AC। तो AD का लेंथ कितना था? √3a। और AC कितना था? 2a। AA खत्म हुआ, √3/2। और वैसे ही अगर tan 30 डिग्री चाहिए तो tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा? P/B। P कितना है? DC। B कितना है? AD। तो सीधे मैं लिखता हूँ DC/AD। DC कितना था? A। AD कितना था? √3a। AA खत्म हुआ, 1/√3। तो 30 डिग्री के भी आप साइन कॉस टैन निकाल चुके हो, तो बाकी भी लिख सकते हो। जैसे 30 का चलो लिख भी देता हूँ, कॉट 30 क्या हो जाएगा? 1/tan 30, मीन्स 1/√3। सीधे ही क्या लिख दो? √3 लिख दो, बिल्कुल। वैसे ही अगर sec 30 चाहिए तो क्या हो जाता है? 1/cos 30। तो 1/cos 30 कितना था? √3/2। कितना हो जाएगा? 2/√3। वैसे अगर cosec 30 चाहिए तो cosec 30 क्या हो जाएगा? 1/sin 30। तो sin 30 कितना था? √3/sin 30 कितना था? 1/2। तो ये क्या हो गया? 2। चलो अब यहाँ उतना सारा लिखा है तो चलो थोड़ा सा मेहनत करके ये भी लिख देते हैं। cot 60 डिग्री क्या हो जाएगा? 1/tan 60। तो 1/tan 60 क्या था? √3। तो cot 30 √3 हो जाएगा। वैसे ही sec 60 कितना हो जाएगा? वहाँ sec 60, cot भी 60 था, 1/cos 60। और cos 60 कितना आया था? देखो cos 60 कितना आया था? 1/2। तो 1/1/2, 2 ऊपर जाएगा, 2 हो जाएगा। वैसे ही cosec 60 क्या हो जाएगा? 1/sin 60। और 1/sin 60 कितना था? √3/2, 2 ऊपर गया, बाय क्या बचा? √3। तो साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक का 30 डिग्री और 60 डिग्री दोनों का वैल्यूज आपने फाइंड कर लिया। और आपको ये याद भी रखना है, और कैसे आता है वो भी याद रखो, क्योंकि एग्जाम में ये भी कभी भी पूछ दिया जाता है कि कैसे आता है, इस चीज़ को प्रूव करो, ठीक है, कभी भी पूछा जा सकता है। तो आपने 30 डिग्री भी देख लिया, 60 डिग्री भी देख लिया। अब 45 डिग्री का देखते हैं कि 45 डिग्री कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो वही मैं लिखता हूं इसमें, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ रेशियो ऑफ 45 डिग्री। अब 45 डिग्री में इतना कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है, एक राइट ट्रायंगल ही ले लेते हैं जिसमें ए बी सी, जिसमें मैंने क्या कर लिया कि ए बी इक्वल्स टू बी सी ले लिया। मतलब कि अगर BC का लेंथ A है तो AB का लेंथ भी क्या है? A है। तो अब साइड लेंथ इक्वल लिया तो एंगल भी क्या होगा? इक्वल होगा। और ये अगर 90 डिग्री था तो एंगल A और एंगल C का सम कितना होगा? 90। अब दो एंगल का सम मतलब योगफल 90 है और वो दोनों बराबर भी है, तो दोनों क्या क्या हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ABC, अब मैं लिखता हूं इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज 90 डिग्री, AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू A, एंगल A इक्वल्स टू एंगल C इक्वल्स टू 45 डिग्री, ठीक है। तो बताओ AC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB कितना था? A स्क्वायर। BC कितना था? A स्क्वायर। क्या हो जाएगा? √2A स्क्वायर, दैट इज √2A स्क्वायर से बाहर A आ जाएगा। वैसे भी आप याद रख सकते हो कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये साइड लेंथ ए है, ये ए है, दोनों इक्वल है, तो ये √2A होता है। या फिर अगर ये 1 है, ये 1 है, तो ये क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा। ये चीज़ आप याद रखो, कई बार काम होता है, कितने बार 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 कैलकुलेट करोगे, ये 2 है, ये 2 है, तो ये 2 √2 हो जाता है।
ये थ्री है, ये थ्री है, तो ये थ्री रूट टू हो जाता है, समझ गया ना। तो ये आसान सी बात है, आपको कभी नहीं भूलना है। तो मैंने वैसे कैलकुलेट करके दिखा भी दिया कि वो कैसे आया ए रूट टू, ठीक है। तो ए सी का लेंथ क्या आ चुका है, ए रूट टू आ चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब एक एक करके देखते हैं। अब साइन 45 डिग्री का वैल्यू देखते हैं, तो बताओ यहीं पे साइन 45 कितना हो जाएगा। साइन 45 अगर ये भी दोनों एंगल 45 कोई भी ले सकते हो आप, साइन इस एंगल एंगल सी के लिए भी बात करें तो ये क्या हो जाता है, पी बाय एच हो जाता है। पी यहां पे क्या है, ए भी दिख रहा है बाय एच क्या ए सी, ए बी कितना था, ए सी कितना था रूट टू ए, ए ए खत्म हुआ वन बाय रूट टू। वैसे ही अगर आपको कॉस 45 डिग्री चाहिए तो वो क्या हो जाता है, बी बाय एच। अब ये एंगल सी के लिए आप लिख सकते हो, एंगल सी के लिए वो क्या हो जाएगा, बी सी बाय ए सी, बी सी क्या है वापस से ए, ये भी क्या है रूट टू ए, ए ए खत्म हुआ वन बाय रूट टू। अगर आपको टेन 45 चाहिए तो टेन 45 डिग्री क्या हो जाएगा, पी बाय बी, तो 45 के लिए पी क्या है बताओ, ए बी, और बी क्या है बी सी, ए बी क्या ए, बी सी क्या ए वन, इसीलिए टेन 45 क्या होता है वन। अब चलो बाकी भी लिख ही देता हूँ, कॉट 45 भी चलो मैं लिख देता हूँ, कॉट 45 क्या हो जाएगा, बी बाय पी, बी कितना था बी सी, पी क्या था ए बी, मैं टेन 45 को देख के इसे लिख रहा हूँ वन। वैसे ही अगर आपको वन बाय टेन 45 करके भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। सेक 45 चाहिए तो चलो इसको मैं कॉस के रूप में लिख देता हूँ, कॉस 45, वन बाय कॉस 45 कितना था वन बाय रूट टू ना, वन बाय रूट टू, रूट टू ऊपर गया तो रूट टू हो गया। वैसे ही कोसेक 45 चाहिए तो कोसेक 45 क्या हो जाएगा, वन बाय साइन 45 हो जाएगा ना, तो वन बाय साइन 45 क्या था वन बाय रूट टू, ये रूट टू ऊपर चला गया। आ रहा है आपको समझ में, तो ऐसे ही 45 के भी सारे वैल्यूज आ गए। अब बात करते हैं 0 और 90 डिग्री की। तो देखो 0 और 90 डिग्री का ऐसा कुछ अभी के लिए एक्चुअल प्रूफ आपको मिल नहीं पाएगा, एक्चुअल अगर प्रूफ अभी जितना हम लोगों ने पढ़ाई की है उस हिसाब से मिल नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी आपको मैं समझा देता हूँ कि आप कैसे इस चीज़ को सोच सकते हो। तो उस चीज़ को भी लिख देता हूँ मैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है। मैं बस समझा रहा हूँ, एक्चुअली में ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए थोड़ा सा इमेजिन करेंगे हम लोग, इमेजिनरी चीज़ें हैं ये सब। लेकिन आगे की कक्षा में अगर आगे आप 11th में देखोगे तो आपको इसका वैल्यू भी निकालने को आप सीख सकते हो। अब ए बी सी ट्राइंगल में ये एंगल ऑलरेडी 90 है, तो इतना तो पता है कि रियल में बाकी दोनों एंगल ए और एंगल सी 90 डिग्री से कम ही होगा, ठीक है। तो ट्राइंगल में 90 डिग्री तो आ ही नहीं सकता है, 0 डिग्री भी नहीं आ सकता है, लेकिन फिर भी हम लोग ऐसा इमेजिन कर लेते हैं, चलो मान लेते हैं कि ये एंगल 90 है, ठीक है। ऐसा थियोरेटिकली हम लोगों ने ऐसा बोल दिया, ऐसा हम लोगों ने सिर्फ अज्यूम कर लिया, ठीक है। तो अगर ये 90 है, ये 90 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 0। तो आप इस चीज़ को इस तरह से समझ सकते हो कि ये जो एंगल सी है इसको पकड़ के ऐसे मैंने खींचा और बी तक लेके आए, तभी तो ये पॉसिबल है। तो सी को आप ही सोचो, सी को पकड़ के बी की तरफ खींचते चले गए, खींचते चले गए, और सी को बी पर उठा के रख दिया, मतलब फाइनली ये सी ऐसे पहले उठा के इधर आया, फिर और खींचते हुए सी को इधर ले आए, है ना, ये सी है, ये सी है, फिर खींचते हुए यहाँ पर ले आए, फिर खींचते हुए फाइनली एक यहीं पे ले आए, तो बी और सी एक ही जगह पे आ गया, तब तो 90 डिग्री हो पाएगा। तो उस केस में एंगल ए कितना हो जाएगा, उस केस में एंगल ए हो जाएगा 0। उस केस में एंगल ए कितना हो जाएगा, सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, चलो इमेजिनरी लिख रहे तो कुछ और कर लग सकता हूँ, ये 0 डिग्री मैंने मान लिया, ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री, और ये भी 90 डिग्री। तो जब सी को खींच के बी तक ले आओगे तो क्या ए बी और ए सी एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा ना, तो दोनों का लेंथ क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अगर आपने इसे ए बोला है तो इसे भी क्या बोलना पड़ेगा, ए। दूसरे तरीके से समझने के लिए कि आप ये सोच सकते हो कि दोनों 90-90 है, एंगल इक्वल है, तो साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। थ्योरेटिकली ही देख रहे हैं हम लोग, रियलिटी में ऐसा कभी नहीं होगा, बट ये चीज़ को हम लोग आगे सर्कल का यूज़ करके अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं कि 0 डिग्री 90 डिग्री कैसे आता है, ठीक है। तो बी सी क्या हो जाएगा, आप ही सोचो, सी को उठा के बी पे रख दिया, बी सी एक ही पॉइंट है तो बी सी का लेंथ तो 0 हो जाएगा ना, है कि नहीं। BC अब एक ही जगह पे है तो BC का लेंथ क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो समझने के लिए हम लोग इस तरह से उसको समझ सकते हैं। अब देख लो आपको क्या चाहिए, अब आपको अगर चाहिए साइन 90, चलो 0 से स्टार्ट करते हैं, साइन 0 चाहिए, तो साइन 0 डिग्री क्या हो जाएगा, P बाय एच, पी क्या है यहाँ पे, BC, H क्या है AC, तो 0 बाय AC, A क्या आ गया, 0 आ गया। cos 0 डिग्री चाहिए, तो cos 0, 0 के लिए देखो AB क्या बेस हो गया ना, AC क्या हो गया
हाइपोटेन्यूस ए बी क्या था, ए ए सी क्या था, ए वन, इसीलिए कॉस जीरो वन होता है। टैन जीरो डिग्री चाहिए, टैन जीरो क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा बताइए, बी सी बाय ए बी, बी सी क्या है जीरो, ए बी क्या है ए, इसलिए भी जीरो हो गया। कॉट जीरो डिग्री चाहिए, तो कॉट जीरो डिग्री क्या हो जाएगा, वन बाय टैन जीरो, ऐसे कर दे तो क्या दिक्कत है, वन बाय जीरो क्या होता है, नॉट डिफाइंड। वैसे ही आपको sec जीरो चाहिए, तो sec जीरो क्या होता है, वन बाय कॉस जीरो, तो वन बाय कॉस जीरो क्या है, वन, वन आ गया। और आपको cosec जीरो चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा, cosec जीरो इज वन बाय साइन जीरो, दैट इज वन बाय जीरो, दैट इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, वैसे ही आपको अगर अब 90 की बात करते हैं, साइन 90 डिग्री, अब 90 के लिए इधर है 90, पी बाय एच, पी क्या हो गया, ए बी, एच क्या हो गया, ए सी, ए बी इज ए, ए सी इज ए, वन। कॉस 90 चाहिए, तो कॉस 90 क्या हो जाएगा, देखो कॉस 90 को, बी सी बाय ए सी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, बी सी कितना है जीरो, ए सी क्या है ए, जीरो बाय ए इज जीरो। और अगर टैन 90 चाहिए, तो टैन 90 देखो, टैन 90 क्या हो जाएगा, ए बी बाय बी सी, ए बी कितना है ए, बी सी कितना है जीरो, ए बाय जीरो, एनी नंबर डिवाइड बाय जीरो क्या होता है, नॉट डिफाइंड। अब ये तीनों आ चुका है, तो बाकी सब तो आप आराम से लिख सकते हो, कॉट 90 क्या हो जाएगा, वन बाय टैन 90 इक्वल्स टू वन बाय इन्फिनिटी, दैट इज जीरो। किसी नंबर में अगर अनंत से भाग देंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। वैसे भी अनंत का उल्टा जीरो होता है, जीरो का उल्टा व्युत्क्रम ना, रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम क्या होता है, जीरो का अनंत होता है। वैसे आपको अगर sec 90 चाहिए, तो sec 90 क्या हो जाएगा, वन बाय cos 90, दैट इज वन बाय cos 90 जीरो था, तो sec 90 भी क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। और अगर cosec 90 चाहिए, तो वन बाय sin 90, वन बाय साइन 90 क्या हो जाएगा, वन बाय साइन 90 वन था, वन बाय वन इज वन। ठीक है, हो गया, आसान है, आप इस चीज को आराम से इस प्रकार समझ सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे आपको एक मैं चार्ट इसी का टेबल बना देता हूं, जो टेबल आपको कभी भूलना ही नहीं है, कभी नहीं भूलना है। इस पूरे टेबल को आप सब याद कर लोगे, तो ही ट्रिगोनोमेट्री आगे बहुत आसान रहेगा। जीरो डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। साइन 0 डिग्री क्या होता है, जीरो। साइन 30 डिग्री क्या होता है, 1 बाय 2। साइन 45, 1 बाय रूट 2। साइन 60, रूट 3 बाय 2। साइन 90, 1। कॉस की बात करें, तो कॉस उल्टा हो जाता है, मतलब साइन में आप अगर साइन 0 0 होता है, तो कॉस 90 0 होगा। साइन 30 1 बाय 2, तो कॉस 60 1 बाय 2 होगा। मतलब साइन में आप ऐसे जा रहे हो, तो कॉस में ऐसे आ जाओ, और कुछ नहीं। ठीक है, तो कॉस 45 साइन 45 बराबर ही होगा, क्योंकि आप दोनों बराबर डिस्टेंस पे। कॉस 30 डिग्री क्या हो जाएगा, रूट 3 बाय 2, है ना, उल्टा आ गया ना। कॉस 0 क्या हो जाएगा, साइन 90 के इक्वल। टैन जीरो क्या, अब साइन बाय कॉस यहीं पे कर दो ना, या बाकी ऊपर जो मैंने पूरा सॉल्व किया था आप वहां से भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप लिख सकते हो टैन जीरो क्या हो जाएगा, साइन बाय कॉस 0 बाय 1 0। टैन 30 साइन बाय कॉस 1 बाय 2 बाय रूट 3 बाय 2, 1 बाय 2 1 बाय 2 खत्म होगा, 1 बाय रूट 3। वैसे 1 बाय रूट 2 बाय 1 बाय रूट 2 1। टैन 60 2 2 खत्म होगा, रूट 3। टैन 90 1 बाय 0, एनी नंबर डिवाइड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, या इन्फिनिटी। ठीक है, तो नॉट डिफाइंड ज्यादा अच्छा लगता है। कॉट की बात करें, तो टैन का उल्टा 0 है ना, टैन का उल्टा हो जाता है, तो 1 बाय 0 नॉट डिफाइंड, 1 बाय 1 बाय रूट 3, रूट 3, 1 बाय 1 1, 1 बाय रूट 3, 1 बाय रूट 3, 1 बाय इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड, सॉरी 1 बाय इन्फिनिटी 0। sec 0, cos 0 का उल्टा 1, cos 30 का उल्टा 2 बाय रूट 3, cos 45 का उल्टा रूट 2, cos 60 का उल्टा 2, cos, और यहाँ पे cos 90 का उल्टा नॉट डिफाइंड। ठीक है, कॉसेक की बात करें, कॉसेक जीरो नॉट डिफाइंड, क्योंकि साइन जीरो का उल्टा होगा, ये टू हो जाएगा, ये रूट टू हो जाएगा, ये टू बाय रूट थ्री हो जाएगा, और ये वन हो जाएगा। ये पूरा टेबल आपको अच्छे से याद होना चाहिए, कभी नहीं भूलना है। ठीक है, भूल गए तो फिर धीरे धीरे ऐसे दिक्कतें आने लगेंगी, आपको समझ में कम आने लगेगा, आगे पढ़ने में मन कम लगने लगेगा, ये सब प्रॉब्लम होने लगेगी अगर आप ये सब याद नहीं रखोगे तो। ठीक है, तो ये आसान चीज़ मैंने आपको बताया, बहुत ही अच्छी चीज़ है, आप इसको याद रखिए और समझिए। ठीक है, तो चलो इस पे बेस्ड एक दो छोटे मोटे क्वेश्चन कर लेते हैं। एग्जांपल, ठीक है,
अब जैसे कि पहला एग्जांपल ही थोड़ा अजीब सा, चलो मैं ले लेता हूँ। गिवन दैट एक आपको फॉर्मूला गिवन है या एक रिलेशन गिवन है, कॉस ए माइनस बी इक्वल्स टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, फाइंड दी वैल्यू ऑफ cos 15 डिग्री। cos 15, तो देखो कैसे लिखेंगे, ऐसे थोड़ा सा सोचेंगे। cos 15 को ऐसा a माइनस बी का फॉर्मूला पता है ना, क्या लिख सकते हैं? cos 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, 15 ही तो होता है। अब इसका फॉर्मूला इन लोगों ने बताया था ऐसा कुछ, तो क्या लिखूंगा? cos a की जगह क्या है 45, cos b की जगह क्या है 30, प्लस साइन ए, तो साइन ए की जगह क्या है 45, साइन बी की जगह क्या है 30, तो साइन 30 हो जाएगा। अब वैल्यूज आपको याद होंगे तो cos 45 1/√2 होता है, cos 30 √3/2 होता है, sin 45 1/√2 होता है, sin 30 1/2 होता है। तो ये क्या हो गया, √3/2√2 प्लस 1/2√2, क्या हो गया, √3/+1/2√2। ये अपना फाइनल आंसर आ गया, √3+1/2√2। ठीक है, आसान है, इस चीज को समझिए और याद रखिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल है, अरोम बस ऑफ साइड ऑफ 10 सेंटीमीटर, अरोम बस ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर हैज टू एंगल्स ऑफ 60 डिग्री ईच, फाइंड दी लेंथ ऑफ डायगोनल्स, फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल्स, ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल्स एंड ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया, ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। तो इस चीज को कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन को आप पहले 2 मिनट ट्राई करो, उसके बाद फिर मैंने जो किया है वो सोल्यूशन देखो। ऐसा नहीं कि पहले ही देख लिया तो फिर दिक्कत होगी, कोई फायदा नहीं है ऐसे करने का। तो चलो रोम्बस बना लेते हैं। रोम्बस मतलब क्या, जिसके सारे साइड्स इक्वल हो और अपोजिट एंगल्स अपोजिट साइड्स पैरेलल हो, तो ए बी सी डी है, ठीक है। अब देखो 2 एंगल 60, अब ये एंगल तो 60 हो नहीं सकता है, तो कौन सा एंगल 60 होगा? ये एंगल 60 होगा और सामने वाला एंगल 60 होगा, ठीक है, तो उसको वहां रहने देते हैं। अब इसको मैं ऐसे, दोनों डायगोनल्स का लेंथ पूछा था ना उसने, तो दोनों डायगोनल्स को ऐसे ज्वाइन कर देता हूँ, ऐसे मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो आगे इसमें क्या हो जाएगा, आप सोचो, इसमें ये पॉइंट को ओ बोलता है। अब रोम्बस के डायगोनल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री पे कट करते हैं। रोम्बस के डायगोनल्स कैसे होते हैं, 90 डिग्री पे कट करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री पे कट करेगा। तो और ये भी देखा था हम लोगों ने कि डायगोनल इसको एंगल को बाइसेक्ट भी करता है, तो 60 का आधा ये क्या हो जाएगा 30, और ये एंगल क्या हो जाएगा 60। अब तो सब दिख रहा है, अब क्या दिख रहा है, अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि अब डायगोनल्स बाइसेक्ट भी करता है एक दूसरे को, तो ए ओ इक्वल्स टू ओ सी, ओ बी इक्वल्स टू ओ डी होगा ना, ओ बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ओ डी हो जाएगा, ठीक है, आसान है, आप इस चीज को समझ सकते हैं। तो ओ बी इक्वल्स टू क्या आ गया, ओ डी। अब देखो इन ट्राइंगल, और इसका लेंथ भी पता था 10, तो यहां लिख भी देता हूं ए बी इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। तो इन ट्राइंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी क्या है 90 डिग्री है ना, तो एंगल ए ओ बी 90 है, तो अपने को क्या चाहिए, डायगोनल का लेंथ चाहिए। अच्छा, तो कुछ भी यूज कर लो, तो ए बी पता है, देखो ध्यान से, ए बी पता है, ए ओ या ओ बी चाहिए, तो हम लोग दोनों ही निकाल सकते हैं। अगर ए ओ चाहिए, ए बी पता है, और तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूँ, sin 60 लिख देता हूँ ना, तो sin 60 क्या हो जाएगा, ए ओ बाय ए बी हो जाएगा, होगा ना। तो ए ओ कितना है, नहीं है पता, ए बी कितना है 10, sin 60 क्या होता है √3/2, तो ए ओ क्या हो जाएगा 10 × √3/2, ये खत्म होगा, क्या आ गया 5√3 सेंटीमीटर, ए ओ का लेंथ आ चुका है। अब ओ बी चाहिए तो यहीं पे cos 60 यूज कर लेता ना, क्या दिक्कत है, cos 60 क्या हो जाएगा बताओ, ओ बी बाय ए बी। इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखो तो आपको समझ में आएगा, ओ बी कितना है, नहीं है पता, ए बी कितना है 10, cos 60 क्या होता है 1/2,
यहीं पे काट देता हूँ ना, ओ बी क्या हो गया 5, दूसरी तरफ गया 5 सेंटीमीटर, ओ बी आ चुका है, ए ओ आ चुका है। अब एक बात बताओ, ए सी इक्वल्स टू, ऊपर ही लिखा था मैंने, ए सी इक्वल्स टू क्या, ए ओ ओ सी बराबर है, तो क्या 2 ए ओ हो जाएगा, तो 2 ए ओ कितना है 5 रूट 3, कितना हो गया 10 रूट 3 सेंटीमीटर, है ना। और अगर अपने को बी डी चाहिए तो बी डी कितना हो जाएगा, 2 इंटू ओ बी कर दूँ, देखो ध्यान से ओ बी और ओ डी भी तो बराबर है, बी डी क्या हो जाएगा, ओ बी का डबल हो जाएगा, 2 और ओ बी कितना है 5 सेंटीमीटर, कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। तो यही अपना आंसर हो गया, दोनों डायगोनल का लेंथ हो गया। अब उसने एरिया भी पूछा था, एरिया ऑफ रोम्बस मैं लिख देता हूँ, एरिया ऑफ ए बी सी डी, ठीक है, एरिया ऑफ ए बी सी डी कितना हो जाएगा, रोम्बस का एरिया होता है हाफ इंटू सम प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स। अगर किसी को नहीं पता तो याद रखो कि किसी रोम्बस का एरिया क्या हो जाता है, हाफ इंटू दोनों डायगोनल्स का प्रोडक्ट। अगर ये डायगोनल डी वन है और ये डायगोनल डी टू है तो हाफ इंटू डी वन इंटू डी टू, ये एरिया इक्वल टू हो जाता है। तो हाफ ए सी कितना था 10 रूट 3, बी डी कितना है 10, कितना हो जाएगा 50 रूट 3, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर क्या आ गया 50 रूट 3। ओके, समझ में आया, आसान है, आप आराम से इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो 50 रूट 3 अपना आंसर आ चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपको मैं एक दो होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे देता हूँ। पहला क्वेश्चन होमवर्क के लिए, इवेल्युएट साइन स्क्वायर 45 डिग्री इंटू कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री इंटू कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, फाइंड करो क्या होगा। दूसरा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ एक्स इंटू टैन 45 डिग्री इंटू सेक्स 60 डिग्री इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर 30 डिग्री। और तीसरा, इफ ए इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड बी इक्वल्स टू 30 डिग्री देन वेरीफाई मतलब एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस प्रूव करो, वेरीफाई साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इक्वल्स टू साइन ए प्लस बी। तीन क्वेश्चन होमवर्क के लिए आप कीजिए और ग्रुप में भेजिए। तो चलो आज के लिए इतना ही, आज मैंने एंगल्स बताया, अगले दिन आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बताऊंगा, उसके बाद कुछ और आइडेंटिटीज भी पढ़ेंगे इसके। ठीक है, तो आज का सवाल बहुत ही सिंपल सा सवाल मैं पूछता हूँ। आज का जो क्वेश्चन है, जो आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि इन सब में से सबसे बड़ा कौन सा है, इन सब में लार्जेस्ट कौन सा है। मैं लिख देता हूँ, द बिगेस्ट अमोंग द फॉलोइंग इज 2 raised to 1/2, दूसरा है 3 raised to 1/3, तीसरा है 6 raised to 1/6 और चौथा है 8 raised to 1/8। इन चारों में सबसे बड़ा कौन सा है ये आपको बताना है। बहुत सिंपल सा सवाल है, देखते हैं कौन कर पाता है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे मिलते हैं। थैंक यू सो मच।